राधे राधे मित्रों मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि ब्रह्मदेव सभी देवों से कहते हैं कि बताइए देवगण, आप में से कौन कौन चल रहा है मेरे साथ श्री कृष्ण को समझाने, इस बात की पुष्टि करने कि राधा अपने शब्द वापस ले ले। तो इंद्रदेव कहते हैं, क्षमा कीजिए किंतु मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और मैं इस विषय में श्री कृष्ण और देवी राधा से कोई चर्चा नहीं कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा देव सभी देवगणों से कहते हैं, क्या महादेव और इंद्रदेव की तरह ही आप सभी के मत हैं? तो सभी देवगण कहते हैं, हाँ हमारा सभी यही मत है। तो इंद्रदेव ब्रह्मदेव से कहते हैं, मुझे अनुचित रूप से मत लीजिएगा, आप इस सृष्टि के रचनाकार हैं और हम सभी आपके और आपके रचना का सम्मान करते हैं, किंतु आपका यह राधा के कहे शब्दों से आहत हो जाना, ये आपको शोभा नहीं देता है प्रभु। कदाचित ये आप नहीं आपका अहंकार बोल रहा है। तो ब्रह्मदेव इंद्रदेव से कहता है, मत भूलो और इंद्रदेव, तेरा अस्तित्व भी मेरा देन है और तुम्हें क्या कोई भी देवता, उसका अस्तित्व मुझसे ही है, ये मेरा नहीं अपितु राधा का अहंकार है। इस तुच्छ विदावन को मेरे असंख्य रचना में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मान रही है। अब मैं राधा कृष्ण को ही नहीं अपितु आप सभी को भी विश्वास दिलाकर रहूँगा कि वृंदावन इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहते हैं, ब्रह्मदेव का क्रोध मुझसे ये सोचने पे विवश कर दे रहा है कि क्या ये सत्य में राधा का अहंकार है कि वृंदावन इस संसार का सबसे सुंदर स्थान है। तो महादेव कहते हैं, देवी राधा जो भी करती हैं उसके पीछे केवल श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम की भक्ति छिपी हुई होती है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ब्रह्मदेव उसको अनुचित समझ बैठे हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना की, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि कदाचित संसार में उनसे सुंदर रचना कोई और नहीं कर सकता है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में ये अहंकार किसका हुआ, ब्रह्मदेव का या देवी राधा का? तो माता पार्वती कहती हैं, आप उचित कह रहे हैं किंतु अब क्या होगा? तो महादेव कहते हैं, ब्रह्मदेव के क्रोध को होने से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उससे सभी को अत्यधिक विशेष और महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली है, जिससे चाहे वो ब्रह्मदेव हो, हम हो या संपूर्ण संसार हो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव सभी देवगणों से कहते हैं कि अब ब्रह्मदेव का क्रोध श्री कृष्ण ही शांत कर सकते हैं। फिर दिव्य शक्ति से बलराम को कहते हैं, एक विशेष स्थिति आ पड़ी है, आपको अतिशीघ्र जाकर श्री कृष्ण से वार्तालाप करनी होगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा राधा से कहती है, देखो अब तुम मुझसे रुष्ट मत होना कि मैं यह सारा काम अकेले कर रहा हूँ, मैंने ही तुम्हारी सखियों से कहा था कि आप सबके लिए भोजन मैं स्वयं ही परोस दूंगी। तो राधा कहती है, मैं जानती हूँ, इसलिए तो यहाँ आई हूँ, आज मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पूर्व भोजन ग्रहण करें और मैं यह भी चाहती हूँ कि आप सबसे पहले भोजन करने के बाद भोजन ग्रहण करती हैं, किंतु आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करें और आपको आज भोजन खाना ही होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कृष्ण को ढूंढता हुआ उसके पास आता है। तो कृष्ण कहता है, क्या हुआ दाव, क्या समस्या आन पड़ी है? तो बलराम कहता है, वहाँ ब्रह्मदेव समस्त देवताओं से मिल रहे हैं और चाहते हैं कि समस्त देवता मिलकर तुम्हें समझाएं ताकि राधा अपनी घोषणा का खंडन कर दे। तो कृष्ण कहता है, इसका मतलब है ब्रह्मदेव राधा की घोषणा से रुष्ट हैं। तो बलराम कहता है, लग तो ऐसा ही रहा है। तो कृष्ण कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो राधा और ब्रह्मदेव के मध्य की बात है, मैंने तो कोई घोषणा की भी नहीं थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो बलराम कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, राधा की हर समस्या यदि तुम नहीं सुलझाओगे तो कौन सुलझाएगा?
तो कृष्ण कहता है इस समस्या का समाधान ब्रह्मदेव और राधा ही करेंगे, वही सुलझाएंगे इसे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा भोजन कर रही होती है और राधा हवा पालकी चला रही थी। तभी अष्टरखियाँ वहाँ आती हैं और द्वार पे सभी रहती हैं, तो राधा कहती है सखियों द्वार पर क्यों खड़ी हो, भीतर आओ, कोई कार्य था। तो विशाखा कहती है लाओ राधा काकी को, मैं पंखा कर देती हूँ। तभी ललिता कहती है काकी हमसे सेवा करवाने में तनिक भी संकोच नहीं करिएगा, हम सब आपके सहायता करने के लिए ही तो आए हैं। फिर विशाखा कहती है आप राधा के साथ भोजन ग्रहण कीजिए, हम सब सखियां सभी को भोजन परोस देते हैं। ये सब देखकर यशोदा सोचने लगती है कि केवल मेरा ही नहीं अपितु सबका कितना ध्यान रखती है। हृदय तो करता है कि अभी तुमसे कह दूं कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे कान्हा की जीवन संगनी बनो। तो राधा देख लेती है और कहती है मैया आप चुप क्यों हैं, मुझे सेवा में कोई त्रुटि हो गई हो। तो यशोदा कहती है नहीं पुत्री कदापि नहीं। तो राधा कहती है मैया मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं आज आपकी भांति मैं अपनी सदैव सेवा करूं। तो यशोदा कहती है ये तो मेरा सौभाग्य होगा राधा। फिर राधा यशोदा से कहती है कि सखियों को आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, तो मैं यहाँ होना ठीक नहीं होगा, आप इन सब से बात कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर ललिता यशोदा से कहती है कृतिता काकी ने कहा है कि राधा के लिए योग्य वर की खोज करे, ऐसा युवक जो सबसे उत्तम हो। तो यशोदा कहती है हाँ कहा तो मुझसे भी थी। तो ललिता कहती है हमें ये लगता है कि राधा के लिए कृष्ण से अच्छा और कौन हो सकता है, राधा की भांति कृष्ण सबका कितना देखभाल रखता है, सबसे प्रेम करता है। तो ये लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने उचित हैं, जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण जैसे इनका जोड़ा हो, बस यही बताने आए थे। तो यशोदा सोचती है अच्छा तो राधा क्यों चली गई, उसके हृदय में काना है, इसलिए ये बात अपनी सखियों से कहलवाई। फिर यशोदा कहती है मैं समझ गई कि तुम सब मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो, अब चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है कि अब आगे क्या करना है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव श्री कृष्ण के पास आते हैं, तो कृष्ण ब्रह्मदेव को स्वागत करते हैं वृंदावन में। तो ब्रह्मदेव कहते हैं मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं है आपके वृंदावन में स्वागत होकर, क्योंकि राधा के कारण मेरा घोर अपमान हो रहा है। तो कृष्ण कहता है क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपका तात्पर्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ब्रह्मदेव कहते हैं यही कि राधा ने अहंकार वापस वृंदावन को संसार का सबसे सुंदर स्थान घोषित कर दिया है, क्योंकि ये मुझे कदाचित स्वीकार नहीं है। तो कृष्ण कहता है ये राधा का अहंकार नहीं ब्रह्मदेव, ये तो राधा का प्रेम है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मित्रों आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।